कुल्लू जिला में बारिश बर्फबारी होने से किसानों बागवानों ने राहत की सांस ली है। करीब ढाई महीने के बाद ऊंचे क्षेत्रों में बर्फबारी व निचले क्षेत्रों में बारिश होने से किसानों की लहसुन व गेहूं की फसल को संजीवनी मिली है। बारिश से खेतों में नमी आने से किसानों बागवानों के कार्य शुरू हुए हैं, जिससे खेतों में फसल की गुड़ाई और बागवानों के नए पौधे लगाने का कार्य व खाद व तौलिये बनाने का कार्य प्रारंभ हो गया है। स्थानीय बागवान ने कहा कि कुल्लू में लंबे समय के बाद बारिश बर्फबारी होने से किसानों बागवानों को राहत मिली है। उन्होंने कहा कि बारिश बर्फबारी होने से खेतों में नमी लौटी है, जिससे फसलों को संजीवनी मिली है। पिछले कल जो बारिश पड़ी, हमारी ऊंची पहाड़ी में बर्फ पड़ी, इससे काफी हद तक राहत मिली हमारे किसान बागवान भाइयों को। हमारे सेब, नाशपाती, खुरमानी जैसे भी हमारे बाग बगीचे हैं, लहसुन की खेती होती है, गेहूं खेती है, लेकिन इससे पूरा नहीं हुआ। उम्मीद पड़ती है कि आने वाले क्या नाम है और बारिश आएगी तो काफी राहत मिलेगी। हमारे को उम्मीद है, अब तक तो जनवरी पूरी है हमारे पास, फरवरी मार्च तक को बारिश पड़ेगी तो हमारे बागवान और फसल के लिए ठीक रहेगा। मैं जो पिछले कल बारिश पड़ी है ऊंची पहाड़ियों में जो बर्फ पड़ी है, उससे कुछ राहत मिली। अभी जो किसान बागवानों को बर्फ की जरूरत है, क्योंकि तभी होगा बाग बगीचे, तभी खिलेंगे। ऐसे तो कुछ नहीं होगा, अब तो कुछ नहीं हो जो पीछे कल पड़ी, इसमें थोड़ी राहत हुई। उम्मीद अभी तक ज्यादा है मार्को की, और भी चाहिए थी, हाँ बर्फ चाहिए ज्यादा, फसल बाग बगीचे ठीक होंगे। अब कुल्लू जिला में ऊंची ऊंची पहाड़ियों में माड़ी मोटी बर्फबारी हो गई है, माड़ी मोटी बर्फबारी नीचे भी हुई है, पर इससे पर्याप्त नमी नहीं है, तो अभी तक मतलब धूल ही बैठने का कारण है, लेकिन अभी भी और बारिश की बड़ी जरूरत होगा। इस मतलब जनवरी में बारिश नहीं आई तो फसल का बड़ा नुकसान माना जाएगा, फल फ्रूट आने के। क्या उम्मीदें क्या है? उम्मीद ऐसी है जी, अभी देवी देवताओं के मारे से आ रहा है, तो इस दौरान होती थी बर्फबारी, तो अभी 10-15 दिन में पता लगी।